नमस्कार, आपका स्वागत है प्रेरणा समाचार में। मैं हूं पल्लवी। तीन तलाक पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री इंद्रेश कुमार जी के नाम पर इंद्रेश कुंज खोला गया है। इंद्रेश कुंज में तीन तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं की मदद के लिए अनाज बैंक ने अपना विस्तार पटल स्थापित किया है। इससे तीन तलाक पीड़ित महिलाएं अपने भरण पोषण के लिए अनाज प्राप्त कर सकेंगी। विशाल भारत संस्थान द्वारा संचालित इंद्रेश कुंज में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया गया है। तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को सिलाई बुनाई से लेकर कंप्यूटर तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भविष्य में तलाक जैसी घटनाओं को रोकने और परिवारों को टूटने से बचाने के लिए यहां परिवार सुलह केंद्र भी स्थापित किया गया है। और अब दिल्ली की बात। अशोक सिंघल फाउंडेशन द्वारा आयोजित चतुर्वेद स्वाहाकार महायज्ञ कार्यक्रम में जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी ने कहा है कि यज्ञ प्रकृति और मानव को संतुलित रखता है। उन्होंने इस महायज्ञ के उद्देश्य बताते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण विश्व में विषमता बढ़ रही है, प्रकृति में प्रतिकूलता बढ़ रही है। हम ऐसा मानते हैं कि यज्ञ के माध्यम से धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका, नक्षत्रों का संतुलन बनेगा और यज्ञ से प्राणियों में सद्भावना आती है। यज्ञ व्यक्ति को सहज, नैसर्गिक, प्राकृतिक और संयमित रखते हैं। यज्ञ से पाचक रस सहज बनते हैं और यह भी देखा गया है कि समूची प्रकृति में एकता आती है। और आइए अब जान लेते हैं 12 अक्टूबर का इतिहास। संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री शरद लघाटे जी का जन्म 12 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के इगतपुरी में हुआ था। 1948 के प्रतिबंध के समय उनके घर पर संघ की गुप्त बैठकें होती थीं। श्री शरद लघाटे जी ने ग्वालियर से बीए और अंग्रेजी में एमए किया। शरद जी ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग का प्रशिक्षण लिया और प्रचारक बन गए। उन्होंने मुरैना नगर में जिला प्रचारक की जिम्मेदारी संभाली। 1975 में आपातकाल लगने पर उन्हें भोपाल बुला लिया गया। इस दौरान शरद जी सबसे संपर्क बनाकर आवश्यक सूचनाएं देते रहते थे। आपातकाल के बाद उन्होंने मुंबई में विश्व हिंदू परिषद का कार्य संभाला। वे हिंदी, अंग्रेजी तथा मराठी के पत्रों में लिखते थे। तथ्यात्मक होने के कारण उनके अधिकांश पत्र छपते भी थे। धीरे धीरे उन्होंने इसे एक विधा का रूप दे दिया और मेरी पत्र यात्रा नामक पुस्तक बना दी, जो सभी नए पत्र लेखकों के लिए मार्गदर्शक है। 30 मई 2015 को दिल्ली के सफदरजंग चिकित्सालय में उनका निधन हुआ। आज़ादी के समय से हिंदू विचार के पक्ष में बौद्धिक जनमत जगाने में अग्रणी श्री राम स्वरूप जी का जन्म 12 अक्टूबर 1920 को हुआ था। 1948 में राम स्वरूप जी की अंग्रेजी में एक लघु पुस्तिका कम्युनिस्ट खतरे से हमें लड़ना होगा प्रकाशित हुई। इससे इस संघर्ष का शंखनाद हुआ। राम स्वरूप जी और सीताराम जी ने मिलकर 1949 में प्राची प्रकाशन स्थापित किया। राम स्वरूप जी का लेख भारतीय विदेश नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण मदर इंडिया में प्रकाशित हुआ। राम स्वरूप जी और सीताराम गोयल ने विपुल साहित्य का सृजन कर वामपंथी सोच रखने वालों को जबरदस्त बौद्धिक चुनौती दी। राम स्वरूप जी ने सोसाइटी फॉर डिफेंस ऑफ फ्रीडम इन एशिया नामक मंच की स्थापना की। 1954 में कोलकाता में एक प्रदर्शनी के दौरान संघ कार्यकर्ताओं ने रानाडे जी के नेतृत्व में उनकी पुस्तकों के स्टॉल की रक्षा की। इस प्रकार संघ से उनका परिचय हुआ, जो फिर बढ़ता ही गया। हदीस के माध्यम से इस्लाम का अध्ययन तथा हिंदू व्यू ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम का कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसके प्रकाशन से कट्टरपंथियों में हलचल मच गई, पर तथ्यों पर आधारित होने के कारण कोई उसे चुनौती नहीं दे सका। कोलकाता की बड़ी बाजार कुमार सभा द्वारा डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार से सम्मानित भविष्य दृष्टा वैचारिक योद्धा राम स्वरूप जी का निधन 26 दिसंबर 1998 को हुआ। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।